अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर। आज हमारा मेन्यू है, आज का मेन्यू हमारा दोपहर का निहारी है। जैसे कि मुझे शान के मसाले बहुत अच्छे लगते हैं, उनके मतलब टेस्ट उतना अच्छा होता है, स्पाइसेस भी होते हैं तो पर टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अब हम चलते हैं अपनी निहारी की तरफ, हमें बनाते क्योंकि अभी लेट हो गया है, 12 बज गए, तो सबको जल्दी जल्दी खाना वाना बना के हम लोग फारिग होते हैं। ठीक है, अभी हम चलते हैं अपनी निहारी की तरफ। यहाँ मैंने देगचा चढ़ा दिया है, आके गीला देगचा था, मैं हमेशा ना भले साफ देगचा हो, मैं हमेशा धो के यूज़ करती हूँ। तो मैं आके गर्म हो गया, अभी इसमें ऑयल डालेंगे। तो इसमें ऑयल हमने डाला, बस इतना डालना है कि चिकन को हम भून सकें। बस ये हमने ऑयल डाला, अब हम ऐड करेंगे 3, ये हम साबुत काली मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी हर चीज़ मौजूद होती है, पर ना गरम साबुत गरम मसाले जैसे होता है ना, मुझे डालने की आदत है, तो मैं कुछ ना कुछ साबुत ऐसे डालती हूँ जो इसका टेस्ट अच्छा लगता है मुझे। तो ये साबुत डाल दिए हमने, अब हम इसमें लहसुन अदरक डालेंगे और फिर चिकन डालेंगे। अब लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं, इसको जलने से पहले हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। इसको वेलकम, इसको हमने थोड़ा सा फ्राई किया, जैसे आपको नज़र आ रहा है ये फ्राई हो गया। तो इसमें हम मसाला डाल देंगे, हाफ खुला हुआ मसाला था तो ये इतना सा है। मसाला आप अपने हिसाब से डालें जिससे ज़्यादा स्पाइसी खाना, क्योंकि इसमें मिर्च बहुत होती है। तो मैं पहले हाफ डालूँगी, फिर मैं दूसरा देखती हूँ कि कितना डालना है, क्योंकि एक दफ़ा मैंने पूरा मसाला डाला था तो बहुत ज़्यादा मिर्च होने थी, हालांकि मैंने स्पाइसी इसके अलावा डाली नहीं थी। अभी हमने इसमें ऐड कर दिया मसाला, सही से भूनेंगे इसको, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भून लेना जिससे मसाला जले नहीं। सही से भून के मसाले को चिकन के साथ, जिससे चिकन की टेस्ट आ जाए। मैं इसको हिलाती रहती हूँ इसलिए कि जैसे मसाला पानी के साथ से मिक्स होके जूसी सा इसमें वो हो जाए, और मतलब भून के सही से इसमें चिपक जाए। चिकन तो फिर भी बाद में गल जाएगी जब हम पानी डालेंगे और उसको रखेंगे, तो अभी बस मैं चाह रही हूँ कि चिकन में टेस्ट आ जाए, तो भरने से ना चिकन में टेस्ट आता है मसाले का। थोड़ा और इसमें मसाला ऐड करेंगे फिर उसको भूनेंगी। ये हमने बस और पड़ा हुआ है, मेन्यू वाला पैकेट खोला नहीं अभी, क्योंकि मेरे पास जो अवेलेबल था अभी मंगवा के यूज किए थे मैंने, अब
के 2 चम्मच दूध में अब और डाल दो। भूनते हैं, जैसे मैं पहले भून रही थी, थोड़ा पानी डाल के इसको भूनते जाए, जैसे पक जाए मसाला, अलग अलग ना हो। जैसे पाउडरी सा टेस्ट होता है ना अक्सर सालन में, अगर मसाला डालो तो भूनो नहीं, तो मैं पानी के साथ इसलिए भूनती हूँ कि वो ना उसमें घुल जाए पूरा, अच्छा सा टेस्ट आए, पाउडरी टेस्ट ना आए, एक सही वाला टेस्ट आए। अब मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी परफेक्टली आ रही है, बस अभी भी थोड़ा हम अभी हमने मसाला डाला है तो इसको 5-10 मिनट हम भूनेंगे, तो इसमें ना हम लोग पानी डाल के इसको रख लेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट टेस्ट करेंगे, पर सॉल्ट जब ये इसको बॉयल पानी डाल के फिर इसको बॉयल आएगा ना, फिर हम सॉल्ट टेस्ट करेंगे कि क्या है, क्योंकि मैंने डाला नहीं अभी, तब हम उसमें ऐड करेंगे कितना, क्योंकि सॉल्ट का मसला होता है, सॉल्ट तो बंदा अगर कम भी हो गया तो इट्स ओके चल जाता है, पर ज़्यादा ना हो, नंबर ज़्यादा हो ना सॉल्ट कम होता है, इट्स ओके चल जाता है, सब खा लेते हैं ज़्यादा तो सब वैसे खा तो ये भी लेते हैं ज़्यादा में, क्योंकि हरी मसाला से सबको बहुत पसंद है, हमारे घर में तो बहुत ही पसंद है। मैं हारी बस रेडी होने वाली है, मेरे बच्चे भी वेट कर रहे हैं, उन्होंने दूध पी, दोनों वहाँ पे बैठे कार्टून देख रहे हैं, नाश्ता आज नहीं किया उन लोगों ने क्योंकि उन लोगों ने दूध पिया है सुबह सुबह, तभी उनको भूख नहीं लगी, वरना हमेशा करते हैं। अच्छा जी, मैं इसके आग हल्की करके चली गई थी यहाँ, क्योंकि जनरेटर चलाना था, लाइट चली गई थी। अब देखें ये पूरा रेडी हो गया सही से, अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको थोड़ा और भूनूंगी, आप लोग कहेंगे मैं कितना भूनती हूँ, पर इससे टेस्ट आता है, सालन में टेस्ट आता है, जितना ज़्यादा भूनोगे आपका सालन उतना ही मज़ेदार और ज़ायकेदार होता है, यही होता है कि खाने को जितना टाइम दोगे उतना अच्छा बनेगा, ईजी है, इतना मसला मुश्किल नहीं है। ओके, अब इसमें हमने नमक डाल दिया, इसको थोड़ा और ही करके थोड़ा साइड से भी देखने में लग जाता है ना, ये हमेशा देख के जला देते हैं, वो टेस्ट आ जाता है फिर सालन में, तो इसको हमेशा ना आप हटाया करो, जैसे थोड़ा तो वैसे दिया करो। ये फुल रेडी हो गया है, देखिए इसमें ना मसाला पूरा भुन गया और टेस्ट करके देखना होता है, पाउडरी फॉर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो स्पाइस इसमें ऑलरेडी शान में होते हैं, वो बहुत मज़े के स्पाइस होते हैं, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगी इसके बाद आप लोगों ने कोई मिर्च नहीं डालना इस मसाले शान, इस मसाले को यूज़ करने के बाद कोई मिर्च नहीं डालना, वरना आपका इतना ज़्यादा स्पाइस हो जाएगा आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है। चलें ठीक है, ये अब हम इसमें हम पानी डालेंगे, मैं आपको देखती हूँ, ऐसे 2 ग्लास भर के हम डालेंगे, ये नॉर्मल जो पानी पीने के ग्लास हैं। ओके, ये अब हम 1 ग्लास डाल दिए जिसका हम डालते हैं, इसमें थोड़ा और पानी की ज़रूरत है, ये हाफ या ये 1 और ग्लास डाल देते हैं। इसका रंग देखें, मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, ये हमने आज इसको टेस्ट कर दिया, ये इसको जब उबाल आएगा ना उसके बाद हम इसको हल्की आग करके रख देंगे, इसका पानी सूखेगा, चिकन गलेगा, फिर हम इसका और आगे जो भी होना है आटा वगैरह होना है या राई देनी है इसको पगार देनी है इसकी, तो वो सारे मैं आपको बताती हूँ, ये इसका पानी सूख जाए फिर ये। अच्छा देखिए इसको उबाल आ गया, उबाल आने के बाद हम इसको ढकना देंगे और इसको
बता देंगे। जनरेटर चल रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों को सुनाई देगी नहीं देगी, बट कोशिश करते हैं ज़ोर से बोलने की। ओहो, तो ये हमने हल्की आँच पर रख दिया है कि ये जब चिकन भी गल जाए और थोड़ा पानी भी कम हो, फिर हम इसको मज़ीद नमक वगैरह डाल के मज़ीद इसको सही से नमक चेक करेंगे और नमक डाल देंगे। अगर कम हुआ तो, अगर सही हुआ तो और नहीं डालेंगे। फिर हम इसका ना ऊपर जो इसके अंदर आटा, उसको ना पानी में भिगो के, आटे को भिगो के फिर वो डालना होता है ना, वो फिर डाल के हम फिर बघार दे देंगे। हमारी निहारी रेडी हो जाएगी। इतना टाइम नहीं है, मैंने 12 बजे स्टार्ट किया था, 1 बजे से पहले पहले मेरे ऑलमोस्ट डन हो जाएगी, तो इतना मुश्किल नहीं है। और मसालों के साथ तो वैसे भी नहीं, मसालों के साथ तो वैसे भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो आजकल सब चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, बना लेगी कर ले। वो पहले दिन थे जो हम लोग पीस पीस के मसाले डालते थे अपने, बट मैं कढ़ाई मसाले के अलावा मैं हर मसाला यूज़ करती हूँ। कढ़ाई का मसाला मैं खुद अपना लेती हूँ, अब मैं अपना मुझ घर से ही बनाती हूँ, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। वो तो बिल्कुल सिंपल है, आप चढ़ा के भूल जाओ, वो बन भी जाएगी। किसी दिन मैं आपको वो भी बना के दिखाऊँगी। तो अभी हम चलते हैं कि सालन की तरफ। ये हमने एक बाउल में पानी लिया थोड़ा सा, और इसमें हम आटा मिक्स करेंगे। आप अपनी मर्जी से थिक बना सकते हैं, जितना आपको थिक चाहिए होगा। मैं आपको इसका पेस्ट बना के दिखाती हूँ। सबसे चलिए ऑलमोस्ट ये रेडी है, ये चिकन वगैरह सब गल गई है, ऑयल भी निकला है बहुत मज़े का। अब हम ये आटे का पानी है ये इसमें डालेंगे और इसको जल्दी जल्दी हिलाएंगे, क्योंकि इसको डाल के एकदम से हिलाते हैं वरना वो सारा ना ख़राब हो जाता है। इसमें डाल रहा हाथ एक ही, तो देखें अभी ठीक ठीक निहारी का अच्छा, देखिए ओ हो कितने मज़े का आ गया। देखिए अभी भी थोड़ी पानी वाली मुझे लग रही है, ठीक तब पता चलता है जब ना बूटी उठाओ उसमें सालन लगा हुआ हो। रेडी हो गई है निहारी, देखें कितनी मज़े की थिक थिक निहारी रेडी हो गई है। इसमें नमक कम था तो मैंने नमक और डाला, बाकी सब बिल्कुल परफेक्ट था। अभी हम इसकी भगार की तैयारी करते हैं। यहाँ पे इसको मैंने पीछे रख दिया, यहाँ पे मैं अब इसको हम भगार देंगे। अच्छा चले अब हम इसको भगार देते हैं। पहले तो ऑयल डालते, थोड़ा ऑयल महंगा हो गया तो इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसे इतना डालेंगे कि प्याज थोड़ा भुन जाए। और इसमें हम प्याज डालेंगे, मैंने प्याज पहले ही काटी थी तो थोड़ी मैंने इसके लिए रखी है। अच्छा इसको हम ब्राउन करेंगे बघार के लिए, इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करके हम उसमें भगा देंगे। मैं इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मसाले में मिर्च बहुत होते हैं और घर में अभी आज तो हम किसी को भी ना मिर्च खाने का वो नहीं। ये ब्राउन हो गए, मैंने बिल्कुल चपटी सी एक और डाली, फिर अब ये जलती रहे। मैंने चपटी सी वो डाली थी लाल मिर्च, क्योंकि ये कलर बिल्कुल नहीं आ रहा था ऑयल में, तो ना जो अच्छा लगे उसमें लुक भी तो अच्छा हो वो लाइट डाली थी। मैंने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, आपको पता है हालात तो ऑयल कितने महंगा है। दिस इज़ द फाइनल लुक, निहारी रेडी हो गई है। आपको रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। और अभी ये मैं सर्व करने जा रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए। देख नाइस कलर, बहुत मज़े की लग रही है, मुझे भी बहुत भूख लग रही है इसको देख के। तो मैं भी खाती हूँ, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।